सपने अपने। शो की शुरुआत करने से पहले आपको सबसे पहले आज का पहला महाउपाय बताती हूँ। क्या शनि से आपका बच्चा परेशान है? ऐसे में लक्षण होंगे बच्चे का डिसिप्लिन ना होना, आलसी होना, कम नहाने जाना, एक ही जगह पर बैठे रहना, अंधेरे कमरे में बैठना। ऐसे में बच्चे के सर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उड़द की दाल के 4 बड़े यानी कि जो बड़े होते हैं वो बनाकर सैटरडे को सुबह क्रोस को खिला दे रहे हैं। 7 सैटरडे तक ये उपाय कीजिए, सब दोष खत्म होंगे। क्या आपके बच्चे को नज़र लग गई है? ऐसे में नमक, राई, प्याज के छिलके, साबुत लाल मिर्च, लहसुन लेकर अंगारे पर डाल दें। आपके बच्चे को लगी नज़र दूर हो जाएगी। बच्चे घर में रहें तो घर हरा भरा लगता है, लेकिन यही बच्चों पर कोई संकट आ जाए तो कोई खुशी अच्छी नहीं लगती। तो चलिए आज इस खास दिन आपको बच्चों पर संकट ना रहे इसके लिए कुछ खास उपाय बताती हूँ। बच्चों की लंबी उम्र के लिए क्या करना चाहिए जानते हैं। एक काला रेशमी डोरा ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए डोरे में थोड़ी थोड़ी दूर पर 7 नॉट्स लगाइए गांठ। उस डोरे को बच्चे की कमर या गले में बांध दीजिए। डेली मंगलवार को बच्चे के सिर पर से कच्चा दूध 11 बार वार कर किसी डॉग को शाम के समय पिला दीजिए, बच्चे की लंबी आयु होगी। अगर संतान की वजह से घर में दिक्कत आ रही है तो रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो गूलर के वृक्ष की जड़ प्राप्त कर घर में ले आएं। इसे धूप दीप दिखाकर धन के स्थान पर रखें। अगर इसे धारण करना चाहें तो खुद किसी डिब्बी में भरकर पहन कर सकते हैं या कपड़ों में डाल सकते हैं। जब तक ये आपके पास रहेगा आप तक घर में, धन में, संतान में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज का तीसरा महा उपाय भी जान लेते हैं। बच्चे को पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं, किसी ज़रूरतमंद बच्चे को या लड़के को या लड़की को अपना बच्चा मानते हुए बुक्स का दान किया करें, साथ साथ यूनिफॉर्म का दान किया करें या फीस का दान किया करें, आपके बच्चे को इसका लाभ मिलेगा। एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। ये वो वक्त है जो मेरी इन्फॉर्मेशन सीधा आप तक जाती है और ये यूनिक होती है क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो स्किल्स में कुशल हों। और आपके घर में वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का जो एरिया होता है यानी कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये स्किल्स का एरिया है। अगर इन दोनों एरिया में टॉयलेट है तो आपके बच्चों की स्किल्स वेस्ट हो जाएंगी। ऐसे में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में और वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में एक पीले रंग का बल्ब जलाएं। बच्चों का जो सिलेबस होता है वो यहाँ पर चिपकाएं और बच्चों की कुछ बुक्स भी रखें। इससे बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट बनता है और उन्हें बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। बच्चे से जुड़ा हुआ चौथा महा उपाय जान लीजिए। बच्चे से जुड़ा हुआ चौथा सवाल क्या है ये बताइए। बच्चे ने लेसन याद किया लेकिन भूल जाता है। बच्चे को हर रोज आंवले का मुरब्बा खाने को दें, ऊपर से दूध पिलाएं। इससे गुस्सा भी कम होगा, पढ़ाई में ध्यान भी बढ़ेगा। लेकिन हाँ, बच्चे को कोई बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। 5वें महा उपाय को जानने का वक्त आ गया है। क्या बच्चे का किसी काम में मन नहीं लगता? आप अपने बच्चे की किताब में मोर का मुकुट या चांदी में रख दीजिए या सिर्फ मोर पंख भी रख सकते हैं। और ऐसे में आप मोर को बच्चे के कमरे में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक बांसुरी के साथ लटका दीजिए। बांसुरी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप रौली और सिंदूर से लिखें, बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। साकार करें सपने अपने।